मेरा डायलॉग खत्म हो जाता था, उसके बाद मैं रुक जाता था और मैं कैमरा की तरफ देख के बोलता था कि हाँ अब क्या करना है। यस, माई पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव्ड इन मी एंड माई सिस्टर ऑलवेज बिलीव्ड इन मी। सो वॉट एवर रिलेशनशिप उर्फी टॉक्स अबाउट इन सम इंटरव्यूज एंड ऑल ऑफ इट, दैट्स नॉट मी। Oh God. She never talks about me. That's somebody else, and honestly, even I don't know who that person is. But that whoever it is, वो मेरे बाद आया था। हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। बड़ी नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल स्पाइसी शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। आज मेरे साथ मेरे शो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, एक ऐसे इंसान है जो सत्य की राह पर चलते हैं, जो बिल्कुल नहीं डरते हैं और जिनकी आंखें बोलती हैं इतनी चीज़ें जो हम इतने एक्सप्रेशन दे दे कर नहीं कर पाते। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम पारस कल्लावत। तो पारस, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। आप हम आपको पहले भी चाह रहे थे बट आपका डेट्स का स्केड्यूल नहीं हो पा रहा था, बट वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पर हो। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा था पहले ही आ जाओ, बट देन हियर आई एम टुडे, आज फाइनली। और थैंक यू, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुश। सृष्टि आज हमारे साथ थी शो पर, राइट? और आप दोनों ने आपका पहला शो था। मेरा पहला शो था। तो हर इंसान का एक अलग एक्सपीरियंस होता है पहले शो, राइट? तो आपका कैसा था? बहुत ही ज़्यादा यू नो, एक ऐसा एक खूबसूरत जर्नी थी मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मेमोरीज है। और मेरा पहला शो मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि एक जर्नी रही है उससे पहले की, वो जो स्ट्रगल रहा है उससे पहले का, वो स्ट्रगल एक्चुअली ऐसा स्ट्रगल था जो मैं हर किसी को कहता था कि आप लोग कभी लाइफ में ऐसा स्ट्रगल देखना मत लाइफ। मतलब मैं चाहूँगा नहीं कि जो लोग यहाँ पर मुंबई में आते वो उस टाइप का स्ट्रगल देखें, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। लाइक कई बार मतलब ऐसा हुआ है कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता था और वो हाथ से निकल जाता था, और करीब तीन साढ़े तीन साल तक मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे। उससे पहले मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलने से पहले मैं मॉडलिंग में चला गया था 6 महीना, आई डिड रैम्प शोज। वहाँ से मेरी एक्चुअली जर्नी शुरू हुई थी लाइफ में कि जहाँ पर मैं अर्न करने लगा था। लेकिन उससे पहले आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड माई डैड स्ट्रगल्ड अ लॉट कि वो मैं यहाँ पर बने रहूँ मुंबई में, तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया नागपुर में, दैट्स माई होम टाउन, कि वो वक्त से मुझे पैसे भेजते रहे, मैं यहाँ पर अपनी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करता रहूँ, और जितनी भी जो नेसेसिटीज होती है मतलब घर खाना और जितना भी जो क्लासेस लगाते हैं, जो एक्टिंग क्लास होती है, वो सब कुछ मैं मेंटेन कर पाऊँ, उसके लिए वो वहाँ कोशिश करते थे। लेकिन समहाउ किसी ना किसी वजह से यू नो, बैलेंस नहीं हो पाता था। तो कई रातें ऐसी निकली जहाँ पर मैं बिना कुछ खाए सो गया, कई सारे दिन ऐसे निकले थे जहाँ पर मैं बस से ट्रैवल करता था क्योंकि ऑटो से जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और मेरा जिम, मेरी क्लासेस, मेरे जो घर है उससे बहुत दूर होते थे। फिर फाइनली जब मैंने सब कुछ ऑनेस्टली, एक ऐसी लंबी सी एक स्टोरी है जहाँ पर मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में थे बट किसी वजह से वो प्रोजेक्ट्स हाथ से छूट गए, और उसके बाद मैं चला गया उस थॉट में कि शायद मेरा इस शहर में कुछ नहीं होगा। एंड देन आई गॉट अ रैंडम कॉल, देयर इज दिस कोऑर्डिनेटर एंड अ मैनेजर कॉल रुपेश सोनार, ऑफकोर्स, तो यस, हम सबको पता है रुपेश, यस। तो उनका मुझे कॉल आया रैंडमली फ्रॉम नो वेयर, एंड ही कॉल्ड मी एंड ही आस्क्ड मी कि आप कहाँ हो, मुंबई में हो, एक प्रोजेक्ट है। अब वो इतना एक 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 ऐसा लड़का जो सारे यू नो अपने थॉट्स गिव अप कर चुका था कि यार कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही चलता रहेगा, एक प्रोजेक्ट मिलेगा फिर वो हाथ से निकल जाएगा। मैं बोला हाँ हूँ मुंबई में, क्या करना है? यस, तो बोले कि यहाँ पर एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके सामने एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पर आप आ जाओ, हम लोग बात कर लेंगे, एंड उसके बाद जो भी रहेगा हम जाकर मतलब वो प्रोडक्शन हाउस में जाकर एक बार ऑडिशन दे देंगे। बोला हाँ हाँ मैं आता हूँ। मैंने फ़ोन काटा, साइड में रखा, मैं सो गया। बोला मैं नहीं जा रहा, मैं बोला इतना थक चुका हूँ मैं हारते हारते कि अब कोशिश भी नहीं करना चाहता हूँ मैं। फिर मैं वापस से मुझे कॉल आया कि मैं पहुंच गया हूँ कॉफ़ी शॉप, और मुझे किसी को ऐसा वेट कराना बिल्कुल पसंद नहीं, और वो हार्डली मेरे घर से 15 मिनट्स दूर था। ये मैं बोल सकती हूँ रियली, क्योंकि आज ये 5 बजे आने वाले थे, ये 4:58 PM पर आए, सो रियली हाँ, तो मुझे वो वक्त का बहुत ज़्यादा यू नो, आई मुझे पैनिक फील होने लगता है अगर मैं थोड़ा लेट रहूँ तो।
तो मैं फटाफट मैं उठा, चेंज वेंज किया और मैं चला गया। मैं बोला चलो मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट दो मुझे, मैं आता हूँ। मैं पहुँच गया वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने बात की, ऐसा प्रोजेक्ट है, स्टार प्लस का शो है, बहुत बड़ा शो है, अच्छा शो है, और वो मुझे जस्ट रोड क्रॉस करके सामने प्रोडक्शन हाउस में लेकर गए। वहाँ पर एक ऑडिशन दिया, ऑडिशन वहाँ पर जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनको पसंद आया, तो उन्होंने प्रोड्यूसर जो प्रदीप सर है, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ क्योंकि मेरे लाइफ का जो पहली अपॉर्चुनिटी है वो उन्होंने दी थी मुझे भी। यस गॉड, प्रदीप सर ना, वही प्रदीप सर जो जिनके बारे में बात कर रही हूं। यस प्रदीप कुमार। सो यस, तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी। प्रदीप सर और आरजी सर का वो शो था मेरी दुर्गा, दैट वाज ऑन स्टार प्लस। एकदम नया सा एक्टर था, कुछ नहीं आता था, कैमरा कभी फेस नहीं किया था। और उसके बाद जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की इन द इनिशियल फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, कि जहाँ पर मेरा डायलॉग ख़त्म हो जाता था उसके बाद मैं रुक जाता था और मैं कैमरा की तरफ देख के बोलता था कि हाँ अब क्या करना है, और मेरे जो डायरेक्टर्स होते थे वो इरिटेट हो जाते थे, अरे क्या करना है, मतलब क्या अभी सीन ही ख़त्म नहीं, मतलब शॉट ख़त्म नहीं हुआ, तू कैमरा की तरफ देख रहा है। सो क्ल्यूलेस, मुझे कुछ पता नहीं था, बट देन दे हैंडल मी, धीरे धीरे वहाँ पर ग्रो किया। एंड वो सारी जो मेमोरीज है फर्स्ट शो की वो हमेशा याद रहेगी, तो मैं सृष्टि को हमेशा बोलता भी रहता हूँ कि वो शो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और ऑब्वियसली आई गिव द क्रेडिट्स टू प्रदीप सर फॉर दैट, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिली रहती तो शायद मैं घर पे सो रहा होता, गिव अप कर दिया होता। नहीं, उड़ गए होते, जिम चले गए होते। हाँ, शायद जिम चला गया होता। सो पारस, मुझे बताओ कि अभी आप मुंबई में हो, वेरी डूइंग वेरी वेल फॉर योरसेल्फ, अभी अगर पारस दुखी होता है किसी दिन तो किसी का कौन सा कारण होता है? कौन सा कारण, किस कारण की वजह से पारस विल बी पारस दुखी? दुखी मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं हर चीज़ को बहुत डीपली फील करता हूँ, वेदर दैट्स लव, वेदर दैट्स इमोशन, वेदर दैट्स एंगर, वेदर दैट्स फ्रस्ट्रेशन, मैं सब कुछ बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। तो मुझे अगर मैं किसी से बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, मैं किसी से, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे मुंह से झूठ नहीं निकलता। सही है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, और मुझे जब सामने वाला कोई झूठ बोलता है या फिर सामने वाला कुछ ऐसा करता है या फिर ऐसा बोलता है जो मुझे पता है कि वो झूठ कह रहा है, तो मुझे गुस्सा से ज़्यादा इमोशन, इमोशनल वो फेज़ होता है मेरे लिए, कि आई फील वेरी बैड कि यार आई ट्रस्टेड एक्स वाई जेड पर्सन, मेरा दोस्त है और मेरा पार्टनर है, जो भी है, तो जब सामने से वैसा रिस्पॉन्स आता है मुझे, तो मैं बहुत इमोशनल फील करता हूँ। एंड देन मैं बहुत वक्त तक उस फेज़ में रहता हूँ, वो इमोशन में रहता हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है उससे बाहर निकलने में। तो मेरे लिए वो ज़्यादा इमोशनल फेज़ होता है कि आप मतलब किसी से कोई अगर आपको वही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा जो आप उन्हें दे रहे हो, तो फॉर मी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल होता है। और मेरे लिए एक बेस्ट गेटअवे निकला है कि मैं जब भी कुछ इमोशनल जोन में होता हूँ या फिर ऐसा कुछ फील कर, या जब भी आप इमोशनल होते हैं, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, आप दो चीज़ें करते होंगे, इज माई गेस। यस ओके, मैं एकदम फेंक रही हूँ, पर वन कुड बी जिम, अदर कुड बी ड्राइविंग एंड मीटिंग फ्रेंड्स। दोनों नहीं। Next guess. Yeah. Movies देखते हो आप? गलत। Good comment था ये। क्या है? I write. कभी नहीं guess कर पाती मैं। Yeah, so I write my emotions down. I have a page called PK Talks. PK Talks? Yes. We'll both follow. Yeah. So like I write all my emotions there. Not just my emotions. If I'm talking to a friend, if that XYZ person is going through some traumatic situation, I write for them as well. मतलब मैं situations समझ के उन्हें mind में रख के लिख लेता हूँ चीजें। तो yes, I have that page. So जब भी मुझे कुछ फील होता है आप लिख लेते दिल में होता, मैं लिख लेता हूं। मेरा एक हमेशा ऐसा था कि मैं किसी आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, ऐसा कुछ तो था, तो मेरे पापा बोले लिखना, तो लिख, डोंट ऐसे वेस्ट ना होने दे इमोशन को, बिकॉज मैं इतना फील कर रही थी। right. तो टेक योर ब्रोकन हार्ट एंड मेक इट इनटू आर्ट, वो मैं एकदम आई बिलीव इट ट्रूली टू अनदर लेवल। बट मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये था कि जैसे बचपन में ना या तो कुछ लोग होते हैं जो हमें फील कराते हैं कि आप स्पेशल हैं और आप यू नो यू आर मेंट टू डू समथिंग ग्रेट, या तो आप खुद में इतना
आपको लगता है आप डिल्यूजनल इतने होते हो कि आपको खुद ही लगता है कि मैं तो ऑफकोर्स आई विल बिकम अ स्टार व्हाटएवर. तो आपके साथ दोनों में से कौन सी सिचुएशन थी? मैंने कभी खुद पे यू नो वो जो एक एटीट्यूड होता है कि सेल्फ ऑब्सेशन कह सकते हो उसे कि आप खुद को ऐसा समझते हो कि आपसे बेहतर कोई है ही नहीं, वो मैंने कभी फील ही नहीं किया. मैं आज भी नहीं फील करता हूँ वो. मुझे कई लोग कहते हैं कि यू डोंट नो योर वैल्यू और मतलब आप खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हो, दैट्स योर प्रॉब्लम. सो हाँ, वो प्रॉब्लम मैंने तब भी नहीं किया, अब भी नहीं करता हूँ. और रही बात दूसरों की, तो मेरे पेरेंट्स के अलावा मुझे कभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया. मेरे रिलेटिव्स भी जो रह चुके हैं, जो मुंबई में भी रहते थे, कई मेरी खुद की मासी ने मुझे कई बार कहा था कि यू नो मेरे मॉम डैड को कहते थे तुम लोग वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे इस पे, ये आएगा ये कुछ साल यहीं पे तुम्हारे पैसे उड़ाएगा और चला जाएगा. बट यस, माय पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव्ड इन मी एंड माय सिस्टर ऑलवेज बिलीव्ड इन मी. तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, अगर वो लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तो शायद मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता और यू नो मैं अपने ऊपर इतना काम नहीं कर पाता. और कहीं ना कहीं यू नो मैं वो, जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो कहीं ना कहीं इमोशन में बह जाता मैं. तो मेरे पेरेंट्स का जो सपोर्ट है और जो मेरी सिस्टर का सपोर्ट है, उसी ने मुझे मोटिवेट किया है अब तक. मैं इतना बुरा फील कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि आपने मुझे पहले बोला था योर इमोशनल, अभी बोला आपने right. तो मेरा पहला सवाल तो लिखना ही आना चाहिए था, लाइक पहला आंसर लिखना ही होना चाहिए था. बट नाउ आई फील वेरी बैड कि मैंने क्यों नहीं सोचा. एनी वेज, ओके, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स. हमने बात करी आपके चाइल्डहुड के बारे में और आपके पेरेंट्स के बारे में, फैमिली के बारे में. आई वॉन्ट टू नो कि वॉट इज योर फेवरेट फूड. मतलब आप वो चीज़ के बारे में, मतलब आपको जब दुख होता है यू ईट एंड यू फील बेटर. ऑनेस्टली पहले पनीर हुआ करता था ये, अब पनीर नहीं, क्योंकि पनीर रोज़ जाता है बॉडी में फॉर प्रोटीन, क्योंकि मैं डाइट कर रहा हूँ तो रोज़ प्रोटीन खाना पड़ता है और उसकी वजह से पनीर बोर हो चुका है. और अब मेरा वो खाने का मन करता है जो मेरे डाइट में नहीं, दैट्स केक. आई लव केक्स, आई लव चॉकलेट्स, चीज़ केक्स येस, बट देन आई लव चॉकलेट हेजलनट केक्स. तो जब भी मेरा यू नो कहीं मूड थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, मैं बोलता हूँ डाइट गया साइड में, मैं उठाता हूँ केक, मैं पूरा एक आधा किलो का केक खा जाता हूँ. तो मेरे लिए वो एक ऐसा है कि जब भी इमोशनल फेज होता है, जब भी मैं कुछ ऐसा फील करता हूँ कि मुझे थोड़ा इस इमोशन से बाहर आना है, तो मैं वो दूसरा इमोशन अपनी बॉडी को पास ऑन कर देता हूँ कि मैं खा लेता हूँ. उसके बाद वो इमोशन जो है वो गिल्ट में बदल जाता है. तो आई एम वेरी यूज्ड टू दिस फीलिंग. तो उसके बाद फिर मैं गिल्ट फील करता हूँ कि मैंने खा तो लिया, बट एटलीस्ट यू आर नॉट फीलिंग दैट इमोशन जो आप पहले फील कर रहे थे. तो उससे मैं बाहर आ जाता हूँ. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट. अगर अपन कोई थेरेपी सेशन में होते तो बोलते आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसमें हम सारी चीजें बात करेंगे जो है प्यार मोहब्बत वाली. टाटा. कुछ कुछ लोगों को देखकर एकदम जैन फील होता है, मुझे वैसे इनको देखकर फील हो रहा है. ही इज सो, इतने काम बैठे हैं, इतने ग्रेस के साथ बैठे हैं. आप ऐसे ही हो, मतलब आई यू लाइक दिस कि आप शाय और ऑकवर्ड है, मतलब बिकॉज दोनों चीज़ें हो सकती हैं. नहीं, ना मैं शाय हूँ ना ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ. एक्चुअली आई टेक सम टाइम टू ओपन अप. सो व्हेनेवर आई एम अराउंड पीपल जो जिनसे मैं रोज़ नहीं मिलता हूँ, तो मुझे खुलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. बट जब मैं खुलता हूँ तो मैं सारे पीजेज मारता हूँ और लोगों को बहुत, मैं अपने को एक्टर्स को, अपने फ्रेंड्स को बहुत परेशान करता हूँ. मतलब लिटरली दे हैव टू कम एंड यू नो टेल पीपल अराउंड कि अरे यार इसको कोई रूम में भेज दो, वहीं पर ठीक है. तो या आई एम गोना गिव यू, आई मीन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आप ओपन अप हो, तो मैं चाहती हूँ आप मुझसे एक सवाल पूछो. एनी सवाल. आपसे एक सवाल पूछूं? तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप मुंबई कब आए और आपने कब ये एक्सप्लोर किया कि आपको यू नो ये मीडिया इंडस्ट्री में आना है. ओके, गुड क्वेश्चन. गुड 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 पारस. मैं एक्चुअली आई थी 2019 में. ओके. बट तब मैं जस्ट मिस इंडिया जीती थी और मैंने सोचा मुंबई जीत गई हूँ मिस इंडिया, अब मैं आती हूँ और एकदम बंद हो जाएगा, सब सॉर्ट हो जाएगा. तो मैं आई और
कुछ सॉर्ट नहीं था, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था. मैं आई वॉज मैं एकदम डिल्यूजनल लड़की रही हूँ बचपन से, मतलब मेरा मुझे आज तक ऐसे कोई ऐसे मम्मी पापा या ऐसे कोई लड़के ने आके नहीं बोला तन्वी यार बड़ा ब्यूटीफुल गर्ल यू, कभी किसी ने नहीं बोला. पर मेरे मन में हमेशा था कि हाँ मतलब आई एम वेरी प्रिटी फॉर माई सेल्फ, मतलब मुझे सही लगता था. तो मैं मुंबई आ गई और फिर कुछ हुआ नहीं. मैं बहुत जगह ऑडिशन देने जाती थी और ऐसा था एक बार तो मेरा पहला ही ऑडिशन था जिसमें मैं 6 दिन तक मॉक शूट ही दे रही थी और मुझे लगा कि मिल जाएगा क्योंकि 6 दिन तक अगर आप इतने मैंने इतने एक्टर्स के साथ काम किया था उन 6 दिनों में, मुझे लगा मैं तो फिक्स ही हूँ, मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे, मतलब आई वॉज सो हैप्पी. पर ऐसे हुआ कि मैंने बोला ठीक है हो रहा है और मैं घर आ गई कुछ दिनों के लिए और फिर मुझे कभी कॉल वॉल नहीं आया और मैं 1 महीने बाद देखती हूँ वो शो ही चल रहा है, मतलब मैंने देखा वो शो चालू हो गया एंड आई डिडंट इवन नो कि आई डिडंट गेट थ्रू. मैं बहुत दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं इतनी सैड फील हुआ, बस लाइक अरे ये तो बहुत सैड हो गया मेरे साथ. फिर इतनी मैं सैड हो गई उस इंसिडेंट के बाद कि मैं घर पर कुछ दिन मैंने सोचा रह लेती हूँ. और मैं रह जस्ट गई और कोरोना हो गया तो 2 साल कोरोना में चले गए. और फिर मैंने कोरोना में आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस और उसके बाद में उस वीडियोस की वजह से मुझे कास्टिंग वालों के बहुत बार मैसेज आते थे कि आप ऑडिशन दीजिए ये ऐसे वैसे. तो मेरा पहला ऑडिशन मतलब फिर जो मेरा पहली सीरियल मिली फिर फॉर दैट आई केम टू मुंबई, मतलब वो ऑडिशन के लिए मैं मुंबई आई थी बस ऑडिशन के लिए. और वो ऑडिशन के बाद मैं मुंबई से गई नहीं, मतलब आई वॉज हियर. तो आई केम हियर लास्ट ईयर. लास्ट ईयर इट हैज बीन अ ईयर नाउ. इट हैज बीन अ ईयर एंड मुंबई टचवुड हैज बीन गुड टू मी, काइंड या वेरी काइंड. और मजे आ गई. तो क्या मैंने अच्छा जवाब दिया? बहुत अच्छा, थैंक यू. यस, मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू ले रही हूँ. मुझे लगा कि आप आए हो शो में. है ना, मैंने कितना ऑनेस्टली आंसर दिया. यस, कितना अच्छे से ऐसे देना चाहिए ना लोगों ने, है ना. कोई जवाब ही नहीं देता है मेरे को. तो मुझे बताओ आर यू इन लव, बिकॉज दैट्स माय फेवरेट टॉपिक. या ओ नाइस. ओके फॉलो अप क्वेश्चन With whom? With, no, don't say work, please. Paris, अगर तुमने work बोला ना, मैं रो दूँ, आंसू आ जाएंगे. अब के यहाँ parents मत बोलना, बहन मत बोलना और work मत बोलना और gym तो कतई मत बोलना. Now you can say. Yeah, I'm in love with a girl. But yes, it's not public yet. Okay. And like we are giving some time. Oh, nice. To know each other. And jab we'll be sure about each other when things will be public. Matlab, definitely, you know, I'm a person who would not want a relationship to be private for a longer time. Because chupane wali koi baat to hoti nahi hai. And main ye samajhta bhi nahi hu ki just because I'm a public face ya fir main actor hoon to private life ekdam hi chupa kar rakhu main. ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मैं पब्लिक कर दूं, और ऐसा भी नहीं है कि उसे इतना छुपा कर रहूं कि लोगों को पता ही नहीं कि मेरे लाइफ में चल क्या रहा है. तो यस, आई एम इन लव एंड होपफुली पीपल विल नो अबाउट इट सून. सो हैप्पी फॉर यू पारस. ओके, कैन आई गेस? या. इज शी एन एक्टर? नो. ओ, तो मैं कैसे गेस करूंगी फिर? वाज शी योर फ्रेंड? नो. बहुत मुश्किल हो रहा है ये गेम, मुश्किल हो रहा है मेरे लिए. तो आप नहीं बताओगे नाम? नहीं नहीं. कैन यू टेल मी ऑफ स्क्रीन? नो. पारस यार, नाम तो खुल गए थे अभी. आई थॉट वी वर फ्रेंड्स. ओके, तो मुझे बताओ कि जब आप ये लड़की से मिले तो ऐसा व्हाट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट अबाउट अ गर्ल? यू नो द बेसिक नेचर, जो यू नो एक एक ऐसा एक वाइब होता है जो आपको एक लड़की से फील होता है कि वो कितनी कंपोज है, वो कितनी काम है, वो चीज़ों को कितने अच्छे से हैंडल करना जानती है. और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रखता है, ये चीज़ वैल्यू रखती है कि वो दूसरों के साथ कैसी रहती है, मतलब वो लोगों से किस तरीके से बात करती, तहजीब तरीका. और मेरे लिए लैंग्वेज बहुत मैटर करती है. लो जी, लैंग्वेज मतलब जिस तरीके से जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आपका एरोगेंस दिखता है, उसमें आपका प्यार दिखता है, केयर दिखता है लोगों के लिए. मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो प्यार ही दिखेगा ऑब्वियसली. सो वो चीज़ मैटर करती है कि सामने वाला इंसान आपको प्यार दे रहा है या नहीं, केयर दिखा रहा है या नहीं. लेकिन जो थर्ड पर्सन के साथ अगर सही तरीके से नहीं रह सकता तो मे बी इन फ्यूचर वो मेरे साथ भी सही तरीके से नहीं रहेगा. तो यस, जो नेचर है वो बहुत मैटर करता है. And luckily I found somebody जो
बहुत ही ज़्यादा यू नो काम और बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड है और जो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और लविंग है, नॉट जस्ट विथ मी बट विथ एवरीबडी अराउंड. तो और पेट पीफ क्या है, मतलब आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते वो चीज़? लाइज, जैसा मैंने कहा मुझे झूठ से बहुत ज़्यादा नफरत है. आई वुड प्रेफर कि वो जो सच है वो कड़वा भी रहेगा, मुझे हर्ट भी करेगा, तो मुझे चल जाएगा. आई मूव ऑन विद इट कि चलो ठीक है जो है वो है. बट झूठ मैं बहुत टाइम तक कैरी नहीं कर सकता कि कोई मुझे झूठ कह रहा है, मुझे पता है. तो दैट मेक्स मी वेरी एंग्री. एंड ऑब्वियसली लॉयल्टी मैटर्स अ लॉट. तो अगर कहीं भी कोई भी डिसलॉयल्टी या फिर ऐसी कोई चीज़ होती है जो एक्चुअली डिसलॉयल्टी में काउंट होती, नॉट जस्ट गोइंग अराउंड विद समबडी एल्स इज डिसलॉयल्टी, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो जब वो चीज़ आती है तो मुझसे सहन नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं होता. वेरी वेरी सॉर्टेड बॉय. तो आप हमेशा से इतने सॉर्टेड थे कि यू हैव हैड अ शेयर ऑफ वो जिसमें यू लाइक मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम, ऐसा आपके साथ हुआ है फिर जाकर आप ऐसे बने हो कि यू वर ऑलवेज लाइक आई वाज ऑलवेज लेजर फोकस्ड? यस लाइक आई हैव हैड कपल ऑफ रिलेशनशिप्स बिफोर दिस वन. एंड ऐसा नहीं रहा कभी लाइफ में कि मैं कैजुअल रिलेशनशिप में था या फिर कुछ ऐसा. आई नेवर हैड एनी ऑफ देम. आई वाज ऑलवेज इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप. आई हैव ऑलवेज बीन दिस. आई हैव बीन वाचिंग करण जौहर मूवीज सिंस चाइल्डहुड. एंड लाइक मेरे लिए रोमांस बहुत बड़ा फैक्टर है. मतलब जब मैं रोमांटिक होता हूँ तो आई नो दैट एवरीबडी अराउंड, जो भी जिसे भी मैं डेट कर रहा हूँ या फिर हूएवर आई एम इन लव विथ, दे नो दैट हाउ रोमांटिक आई एम. मतलब मेरे लिए उससे ऊपर और कुछ नहीं होता है रिलेशनशिप में. तो मेरे लाइफ में कभी ऐसा कुछ था नहीं. बट यस, मैं बहुत ग्रो किया हूँ एज अ पर्सन, बिकॉज बचपना बहुत था व्हेन आई वाज 18, व्हेन आई वाज 19. एंड कई सारी ऐसी बातें थी जो मुझे भी सीखने में बहुत टाइम लगी. मैच्योरिटी बहुत बाद में आई. बट राइट नाउ व्हाट आई बिलीव इज दैट जो अभी मेरा फेस चल रहा है, मुझे रैंडम चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. मेरे लिए मेरा पार्टनर सबसे ज़्यादा मैटर करता है और उसकी खुशी सबसे ज़्यादा मैटर करती है. उसके अलावा उसके आसपास जो चल रहा है उसका काम है, और उसके आसपास जो लोग हैं उस काम के पार्ट है. बट मुझे बहुत टाइम लगा ये सब कुछ समझने में. और ऐसा नहीं रहा कि मैंने बहुत गलतियाँ की. गलतियाँ मैंने शायद ही कोई की हो रिलेशनशिप में. मतलब अब तक तो मुझे किसी ने काउंट नहीं करवाया, और अगर करवाया भी तो बाद में आके सॉरी बोलकर, मतलब रिलेशनशिप जब टूट गया उसके बाद आकर उनको रियलाइज होता है कि व्हाट दे हैव लॉस्ट. बट या दिस इज पार्ट ऑफ इट. एंड आई बिलीव दैट यू नो आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस एंड अ वेरी हैप्पी जोन. ये जो मेरे लिए व्हाट आई थिंक, ये जो कैजुअल रिलेशनशिप्स जो होते हैं, अगर वो लाइफ में ना रहे तो लाइफ बहुत पीसफुल होती है. मतलब आई वॉज नेवर पार्ट ऑफ, आई डोंट गो फॉर क्लबिंग, आई डोंट पार्टी अलॉट. दोस्तों के साथ कभी कभी 2-3 महीने में एक बार शायद चला जाऊँ मैं. आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई हैव अ वेरी सॉर्टेड लाइफ. मेरे लिए मेरा यू नो अल्कोहल फैंटा है, तो आई ड्रिंक फैंटा. बहुत ज़्यादा पीता हूँ जब भी, मतलब व्हेन आई एम नॉट ऑन डाइट. तो जब कभी मैं ऐसे दोस्तों के साथ जाता हूँ बाहर, I've seen my friends hanging around with a lot of girls. But मेरे लिए मेरी जो female friends हैं, they feel so safe around me because मैंने कभी किसी के साथ flirt किया ही नहीं. No. All my female friends, they are like my buddies. They share everything. They tell me, अरे पारस, make us meet a guy. ये वो. Because they know कि यहाँ कुछ नहीं होगा. They know very well कि ये भाई इधर कुछ नहीं होने वाला है. इधर कुछ भी नहीं होगा. Cute. Because मेरे लिए जो दोस्त है वो दोस्त है. और जो मेरे लिए जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद I may fall in love, तो उसके साथ प्यार है, उसके साथ दोस्ती कभी नहीं हुई. या तो मतलब वो स्टार्टिंग से ही रहा है कि मतलब इफ़ आई मीट समबडी, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद यार शी इज़ द वन, तो शी कैनॉट बी माई फ्रेंड फ्रॉम द बिगिनिंग, कि मैं उसको फ्रेंड जोन कर दिया. मेरे लिए जो फ्रेंड जोन है वो फ्रेंड जोन ही रहेंगे, और जो लड़की पसंद है वो पसंद ही रहेगी. नाइस है ना, गुड है. यू हैड एन इंटरेस्टिंग, मतलब आप तो पब्लिक फिगर हो ही, बट जब यू नो आई वॉज लुकिंग, आई मीन आई वॉज टॉकिंग यू फॉर द शो एंड एवरीथिंग, आई सॉ दैट देर आर सो मेनी आर्टिकल्स अबाउट यू एंड उर्फी एंड यू बींग इन लाइक वॉट एवर रिलेशनशिप एंड देन ऑल द थिंग्स दैट हैपन आफ्टर. डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट? नो यार, सी ऑनेस्टली मी एंड हर वी आर वेरी डिफरेंट. लाइक हम दोनों बहुत अलग इंसान हैं.
एंड ये कहीं ना कहीं वो भी मानती है, इस वक्त मानती है. हम दोनों बहुत इमेच्योर थे. वी वर जस्ट 18 बस 18 नो सॉरी वी वर 19 व्हेन वी वर डेटिंग एंड वी डेटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन. सो व्हाटएवर रिलेशनशिप उर्फी टॉक्स अबाउट इन सम इंटरव्यूज एंड ऑल ऑफ इट, दैट्स नॉट मी. ओह गॉड, शी नेवर टॉक्स अबाउट मी. देयर इज समबडी एल्स. लोगों को लगता है कि वो जिन टैटूज की बात कर रही कि उसने टैटू करवाया था किसी का, दैट्स नॉट मी. That's somebody else, and honestly, even I don't know who that person is. But that whoever it is, वो मेरे बाद आया था. तो I'm glad that she is doing so well in her life. She is doing so well. She is doing so well. Touch wood. And अब शायद मतलब अगर ये journey नहीं रही होती उसकी, तो आज वो वहाँ नहीं होती जहाँ वो है. और शायद मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ. तो हम लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत खुश है. And ना कोई regrets है, ना कोई you know नफरत है एक दूसरे से. ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे माइंड में ऐसा कुछ है ही नहीं कि यार उसने गलत किया था या फिर मैंने गलत किया था. हम लोग थोड़े मैच्योर थे दोनों. हाँ यार, बेबी सी थे. या 19 एंड लाइक एंड जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक था. तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था, बहुत ज़्यादा था. मतलब हद है कभी, मतलब अगर उससे पूछा जाए कि मैं कितना पागल था अबाउट थिंग्स तो वो बताएगी बेटर. But yeah, it was a phase so that sweet. Went up, that passed on. But yeah, we were in touch. अभी उतनी बात नहीं हो पाती है. But बीच में when I was doing झलक दिखला जा, तो हम लोग वापस से हम लोग का मिलना जुलना चालू हुआ था. She was in touch और उसने मुझे बहुत motivate भी किया था. Oh. मुझे उसने wish भी किया था for my journey in झलक दिखला जा. So sweet. So, yeah, that was very sweet of her. So nice. You, so I have stalked you to another level. तो मैंने आपका एक्चुअली ऐसे भी पोस्ट है कि आई एम इन द प्राइवेट जेट. आई वाज लाइक वेयर इज दिस बॉय गोइंग टू इन अ प्राइवेट जेट, हाउ इज ही लाइक फ्रेंड्स विद अंबानीज, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज इट? नो, दैट वाज नॉट, आई एम नॉट फ्रेंड्स विद अंबानीज, बट आई डिड अ प्रोजेक्ट फॉर देम. दैट वाज अ प्राइवेट प्रोजेक्ट दैट वाज शॉट इन गुजरात एट I honestly don't remember the place. मेरे माइंड से निकल गया. कोई नहीं. बट उनका वहाँ पे बहुत बड़ी रिफाइनरी है. Oh. जामनगर. जामनगर. Yes. तो जामनगर में अब ज़्यादा फ्लाइट्स जाती नहीं है. तो उनका जो प्राइवेट जेट था उसी में टीम सारी उनकी so जो थी cool. शूट की. I was like, मुझे भी जाना है प्राइवेट जेट में. मैं तो वो yeah. सोच रही थी मेरे को भी जाना है. अरु कुछ करना पड़ेगा. कुछ करना पड़ेगा. अब सच में बहुत अंदर से हो रहा है. Yeah, it's cool. It is cool ना. What's the best thing about it? Best thing, it's private. That's the best thing. You don't have anybody else around. It's like you. There are everybody's... no babies crying in the flight. हाँ यार. ना बच्चे रो रहे होते हैं, ना इतनी आवाज़ हो रही होती है, ना ठेपले के डब्बे खुले रहते हैं पीछे. तो यार थोड़ा peaceful. Do you not like ठेपलास? No, I love ठेपलास, but then you know flight में अलग-अलग इधर से ठेपला की smell आ रही है, इधर से ढोकले की smell आ रही है, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ बैठे हो आप flight में. तो यार थोड़ा सा थोड़ा वियर्ड हो जाता है. थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा. नो ऑफेंस टू ठेपलास यू गाइस. या या आप प्लीज खोलो डब्बे फ्लाइट में, नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. पता चला जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं और कभी मुझे फ्लाइट में देख लिया और खोलने वाले देख रहे हैं, सॉरी बंद कर देते. नहीं नहीं खोलो खोलो बस खोलो. ओके, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन वी विल बी राइट बैक विद आवर फन गेम. नमस्ते एवरीबॉडी. हाय, आई होप आपका अल्पविराम अच्छा रहा होगा. न्यू वर्ड जो मैंने अभी अभी सीखा है. और अभी बिफोर हम गेम खेले, आई ऑल्सो रिमेम्बर्ड कि आपने इतने सारे कितने शो किए हमने? 4. 4, या. उसमें से आपका फेवरेट शो कौन सा था? जो मैं अभी कह रहा हूँ, कुंडली भाग्य. कुंडली भाग्य इज योर फेवरेट? यस यस यस. क्या उसमें इतना फेवरेट? एज इन द टीम. I've got the best team, like the best production team, the best cast, the best crew. Everybody is just perfect and it feels like family. This is the second time I feel like this. The first one was not the... Yeah, first show, definitely the first show. Yaar, wo to, wo main count bhi nahi karunga because wo kabhi jo bhi shows aayenge usse compare kiya hi nahi ja sakta. क्योंकि वो जर्नी लर्निंग जर्नी थी और जो जो सीखा हो वहाँ से वो जो जो फैमिली बनी थी. सृष्टि यू नो हमेशा टच में रहती है, कभी ना कभी जो भी मेरे लाइफ में होता है सबसे पहला मैसेज उसका आता है फॉर कंग्रेचुलेटिंग मी एंड शी कीप्स टेलिंग मी दैट शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी एंड इवन आई एम प्राउड ऑफ हर. शी डिड अ वेरी नाइस फिल्म. मैं देख नहीं पाया क्योंकि शायद मुंबई में उतना ज़्यादा वो लॉन्च नहीं, पंजाब में ज़्यादा था.
तो मैं देखूंगा बट आई डेफिनेटली वॉच अब उसको मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि आई हैव टू वॉच इट बिकॉज़ शी इज सच अ लवली पर्सन शी इज शी इज सो कुंडली के बाद कौन सा शो था जिसमें आपको फैमिली कुंडली दैट वाज वेब सीरीज बट दैट वाज फॉर ऑल्ट दैट वाज दिल ही तो है दिल ही तो है या तो उसमें करण कुंद्रा मी एंड देयर वर अदर पीपल अभिनव कपूर गुरप्रीत बेदी हम लोग जितना ये सनाया पीठा वाला सो हम लोग की एक फैमिली थी इट वॉज अ फैमिली शो लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल फैमिली शो बेस्ड ऑन कभी खुशी कभी गम तो वो फैमिली वैसी ही थी लाइक अगर देखा जाए तो करण इज शाहरुख देन आई एम प्लेइंग ऋतिक सो इट वॉज लाइक दैट आई एम द यंगर ब्रदर करण इज माई ओल्डर ब्रदर तो वो जो शो था उसमें एक्चुअली मुझे पता चला कि फैमिली क्या होती है मतलब ये ऑफ कैमरा फैमिली क्या होती है एग्जैक्टली उसके बाद अब जाके मुझे ऐसा शो मिला जहाँ पर मेरे जो को एक्टर्स हैं हर किसी से हर वक्त मिला नहीं जा सकता क्योंकि सबके टाइमिंग्स बहुत अलग है बट हम तीन लोग जो है जो बसीर मी एंड सना हम तीनों जब से हमने शुरू किया है टचवुड वी हैव नेवर हैड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अस कभी हम लोग के बीच में वो जेलसी नहीं रही है कभी हमारे बीच में वो फैक्टर नहीं कि अरे यार तू जल्दी जा रहा है या फिर अरे तेरा पैकअप जल्दी हो रहा है तुझे ज़्यादा छुट्टियाँ मिल रही है कुछ ऐसा था ही नहीं हम लोग जब मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं जैसे कि यू नो हम लोग कई टाइम से मिले नहीं हैं और हमारी बातें जो रहती है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं सो वी आर लाइक फैमिली श्रद्धा इज़ लाइक अ फैमिली श्रद्धा इज़ अ वेरी 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 स्वीट को एक्ट्रेस आई हैव गॉट एंड श्रद्धा इज़ प्लेइंग माई मदर इन द शो बट डेफिनेटली शी इज़ नॉट टू ओल्ड उन मुझसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हार्डली कुछ 8-9-10 साल का डिफरेंस है बट शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन अंजुम इज़ वेरी नाइस अंजुम एवरीबॉडी ऑन सेट लाइक एवरीबॉडी द वन हुज़ प्लेइंग माई नीलम जी द वन हुज़ प्लेइंग माई दादी एवरीबॉडी देयर जस्ट परफेक्ट मतलब उनके साथ बैठ कर जो मैं कह रहा था कि लोग बोलते हैं कि ये बकवास करता है बहुत उसको रूम में छोड़ के आओ सबको परेशान करता रहता हूँ मैं पीजे सबको सुनाता रहता हूँ कोई मूवी देख कर आ जाओ तो जाकर स्पॉयलर दे देता हूँ बैठ कर कि अरे आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल समथिंग बीच में बैठ के सबको स्पॉयलर दे दिया कि अरे एंड में ये मर जाता है उसका बहुत ही अच्छा स्पॉइलर है मतलब मुझे समझता है कि अगर एक वाइब होता है ना प्लेस का एंड देन दैट अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट यू डू लाइक एक्टर तो बहुत ही छोटा लाइक एक एक्टर का परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन सो मेनी फैक्टर्स डेफिनेटली और फैमिली इज सच अ बिग 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 पार्ट ऑफ दैट होल एक्सपीरियंस और आई नो दैट यू हैव नॉट हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंसेस इन योर पास्ट लाइक अनुपमा एंड यू सेड समथिंग सो लाइक व्हाट रियली लाइक व्हाट जेन्युइनली ticked you off like ye kya ho raha hai matlab what was it honestly that show has been like very beautiful for me because you know wo it was my breakthrough yeah mere life ka you know jo turning point tha wo show se aaya every other person I meet on streets they know me as Samar right now they know me as Rajveer yeah that now yeah. they do yeah but you know wo ek aisi journey rahi hai ki हर घर में मेरा नाम था और हर घर में Everybody कोई चाहता था कि बेटा हो तो समर जैसा हो तो वो एक ही एक एक ऐसा प्रोजेक्ट था मेरे लिए जिसने मेरी लाइफ चेंज की और मैं हमेशा राजन सर को बोलता रहा कि यू नो आपने मुझे कैसी अपॉर्चुनिटी दी जिसके लिए आई ऑलवेज बी थैंकफुल ही इज़ अ वेरी वेरी यू नो नाइस पर्सन उन्होंने यू नो कई सारी मुझे ऐसी चीज़ें सिखाई बताई थी जो एक एक्टर के लिए लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बट डेफिनेटली हर जर्नी यू नो एक अच्छे नोट पर ख़त्म नहीं होती है कई बार ऐसा होता है कि आप अगर अपने मन की कुछ करने जाओ तो सामने खड़े रहते बहुत सारे लोग जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं शायद हर किसी का अपना सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू होता है मेरा भी है डेफिनेटली है अगर मुझे कहीं पर पीस नहीं फील होता है कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो 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 स्टेट ऑफ माइंड है वो हिल रहा है तो मैं वहाँ पर क्यों रहूँगा तो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिस वजह से यू नो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे फील हुए बहुत सारे इश्यूज उस जगह पर फील हुए बीच में अभी वापस से वो कंट्रोवर्सी वापस से उठी थी अभी रिसेंटली
मैंने तो बस अपने क्वेश्चन आंसर्स में लिखा था, मैंने मुझे किसी ने क्वेश्चन आंसर में पूछा और मैं देख रहा हूँ सबने एक ही क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड यू लीव अनुपमा, व्हाई डिड यू लीव अनुपमा, व्हाई डिड यू लीव अनुपमा। मैंने बड़े प्यार से लिखा कि यार एनीबॉडी वुड वांट टू लीव, इफ वो मेरी जगह पर होते तो कोई भी निकल जाता। मैं बोला 80% ऑफ द कास्ट वुड वांट टू लीव। और मैंने ये स्टेटमेंट अपने क्वेश्चन आंसर में इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता है कि वो 80% कौन लोग हैं। और मुझसे आके बात करते हैं ना वो 80% लोग, जाकर प्रोड्यूसर से तो थोड़ी ना करेंगे, ना चैनल से करेंगे, बिकॉज दे वांट टू बी इन गुड बुक्स, दे आर नॉट ओपन अबाउट इट। अब बिकॉज आई वाज नाइस टू एवरीबॉडी एंड लाइक आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड वांट टू रिवील द नेम्स कौन वो 80% थे, तो मैंने कभी किया नहीं। और अचानक से मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही अपने दोस्त लोग, मतलब वो जो अब तक मुझे बोलते आ रहे थे कि यार यू डिड अ राइट थिंग, यू नो यू आर डूइंग सो वेल, यू डूइंग दिस वंडरफुल शो, यू डिड दिस रियलिटी शो, वो लोग स्टेटमेंट दे रहे कि आई डोंट नो व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट एंड पता नहीं ये क्या बातें कर रहा है और साल भर बाद ये बात कर रहा है। मैंने तो बात की ही नहीं थी, मैंने क्वेश्चन आंसर में एक रिप्लाई किया था, मैं थोड़ी ना जाके मीडिया से बात कर रहा था कि अरे मैंने छोड़ दिया शो, आई नेवर डिड दैट। इन द बिगिनिंग जब मैं वो शो से बाहर आया था तब मैंने अपने क्लैरिफिकेशंस दिए थे और मेरे लिए वो टॉपिक खत्म हो चुका था क्योंकि मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज आगे वेट कर रही थी और मैं उस पर फोकस कर रहा था। अब अचानक से कोई मुझे क्वेश्चन आंसर में इतने सारे बार पूछेगा तो मुझे एक्सप्लेनेशन तो देना है, मेरी पब्लिक है, मेरी फैमिली है, ये जो इंस्टा फैमिली है। मैंने उनको अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं निकल गया एंड आई एम एट अ बेटर प्लेस। मैंने लिखा था कि मैं बेहतर जगह में हूँ, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी, ये मैंने लिखा था। अब कुछ लोगों को शायद ये बातें उतनी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दिए और उसके जवाब में जब मैंने स्टेटमेंट दिए तो सब गायब हो गए। ओह नो, मतलब क्योंकि मैंने सच बोला और वो लोग सच नहीं बोल पाते। सो मेरे अपने जो क्लोज लोग, मैं जिनको मानता था कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनके साथ तो मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था शो में, और ये हमेशा मेरे पास आकर बैठते थे, मुझसे बात करते थे, अपनी सारी बातें शेयर करते थे, अपने सीक्रेट्स मुझसे शेयर करते थे रिलेटेड टू द शो एज़ वेल। और वो जाके, और मैंने उनको DM में, उनको पर्सनल मैसेज में यही लिखा, बोला मैं चाहूँ ना, बोला एक सेकंड में मैं तुम जो मुझसे बातें करते थे मैं वो सीधे पब्लिक में मीडिया में बोल सकता हूँ, बोला बट आई एम नॉट अ बैड फ्रेंड, बोला आई एम नॉट लाइक यू हु वुड बैकस्टैब कि आप तो दे, मतलब पब्लिक में मेरी बेइज्जती की और पर्सनली मुझे सॉरी बोल दिया। दैट्स नॉट समथिंग आई एक्सपेक्ट। आई गेव माई क्लैरिफिकेशन, आई बैक्ड ऑफ, फॉर मी दैट टॉपिक वॉज ओवर। लॉट ऑफ पीपल कॉमेंटेड ऑन दैट कि अब क्यों आ रहा है ये, साल भर बाद क्यों इस बारे में बात कर रहा है। तो मेरा तो यही मानना था कि मैं साल भर बाद बात करने आया नहीं था, मुझे लेकर आया गया, मुझे कोई शौक नहीं था उस बारे में बात करने का, बिकॉज आई रिस्पेक्ट द मेकर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, आई वुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, लाइक आई वुड ऑलवेज रिस्पेक्ट राजन सर, बिकॉज देर वॉज एन इंसिडेंट व्हेन आई लॉस्ट माई डैड, राजन सर वॉज देयर फॉर मी, लाइक यू नो कई बार ऐसा हुआ कि उनके कॉल्स आ रहे मेरे मॉम को, मुझे, ही वॉज ऑलवेज देयर ऑन कॉल एंड आई वुड नेवर फॉरगेट दैट। मुझे वो सारी चीज़ें हमेशा याद रहेगी, मुझे कोई मुझे आके बैकस्टैप भी कर देगा लेकिन उसने मेरे साथ कुछ अच्छा भी किया हो मुझे वो याद रहेगा। फॉर मी राजन सर विल ऑलवेज बी स्पेशल। उनसे बात नहीं हो पाती है, उनसे बात नहीं हो पाई बिकॉज आई थिंक उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब मैं उन्हें मानता नहीं हूँ या फिर समथिंग लाइक दैट, बट उनके अलावा बाकी रीजंस थे, मतलब जिस वजह से मुझे वहाँ से निकलना था। ही वॉज नॉट द रीज़न, ही वॉज अ वंडरफुल मेकर। देर वर अ लॉट ऑफ लाइक टाइम्स व्हेन आई वांटेड हिम टू सपोर्ट मी, ही डिड नॉट, बिकॉज उनकी भी मजबूरियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी मजबूरियाँ थी। उन्होंने मुझे फेस पर कहा भी था कि पारस ये मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आई वॉन्टेड हिम टू टेक सम एक्शन फॉर मी बिकॉज यू नो आई वॉज हिज फेवरेट। अ लॉट ऑफ टाइम्स ही सेड दैट ऑन इन मीडिया ऑल्सो, आई हैव अ वेरी स्वीट मैसेज ऑफ हिम ही सेंड मी ऑन माई बर्थडे कि यू नो वॉट एवर ही थिंग्स अबाउट मी। सो वैन आई रीड दोज मैसेजेज एंड वैन आई रीड द लास्ट आर्टिकल ही गेव फॉर मी वैन यू नो ही रोड दैट ही इज टर्मिनेटेड फ्रॉम द शो लाइक बिकॉज ही चोज समथिंग एल्स बींग इन द शो, उस पर भी बहुत रीजन्स थे बिकॉज मैंने जाने से पहले आई स्पोक टू द प्रोडक्शन टीम दैट आई वॉन्ट टू मूव आउट इफ देर इज समथिंग दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन द शो, बिकॉज मेरा जो स्क्रीन स्पेस था वो बहुत कम हो गया था और उसके पीछे भी बहुत सारी पॉलिटिक्स थी
कि वो क्यों कम किया गया, वो क्या रीज़न थे कि मेरे सीन्स हटाए गए थे, और बहुत इनसिक्योरिटीज़ थी बिकॉज समर ज़्यादा उठने लगा था, और समर ज़्यादा उठने लगा था इसलिए अनुज कपाड़िया को लाना पड़ा था. तो या लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक चीज़ है दैट आई ऑलवेज बी हैप्पी अबाउट, दैट नॉट एवरीबडी इज़ रिप्लेसेबल. नॉट एवरीबडी इज़ रिप्लेसेबल. लोगों को लगता है कि अरे ये है ना, इसको हम रिप्लेस करके ना इसको हम वापस बड़ा बनाएंगे. असली समर तो यहीं बैठा है एंड वो यहीं बैठा रहेगा. और आई डोंट थिंक सो एनीबडी कैन टेक द वन हुज़ प्लेइंग समर इज़ अ वेरी फैबुलस एक्टर, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय ऑल्सो. बट देन जैसा लोग सोचते कि हर किसी को रिप्लेस कर दिया जा सकता है, कि इसको हटा के हम दूसरे को स्टार बना देंगे, वो नहीं हो सकता. Nobody else can take that place, and I get to hear from everybody. Everybody, not even a single person around me has come and told me ki yaar tum chale gaye to we've accepted the other summer. No, not everybody is. Can do yeah. To main ye nahi manta hu ki main bahut hi fabulous actor hu ya fir main bahut hi acha kalakar hu, but kahin na kahin mujhe aisa lagta hai ki maine wo character create kiya tha. Wo maine, aur mujhe ye pata bhi hai ki jo main karta tha wo us actor ko करवाने की कोशिश की गई थी. मुझे कुछ को एक्टर्स ने बताया था कि उस तेरे वो जो तू करता था, बिकॉज दैट वाज माय थिंग, वो मैंने क्रिएट किया था. मुझे डायरेक्टर ने नहीं बताया था वो सब करने के लिए. वो मासूमियत थी उस कैरेक्टर की, वो सब करने के लिए मुझे बोला नहीं गया था. दैट केम नेचुरली. तो या तो मेरे लिए वो चीज़ हमेशा रहेगी कि या आई प्रूव समबडी रॉन्ग. हाउ मच ऑफ यू वाज इन समर? 80%, like 80%. That was me. That was actually me. Like mama's boy, family person, would want to be around people, लोगों की help करना, smile करना, enjoy करना, नाचना, वो सब कुछ मैं था. Sweet. But that was a very very you know mixed feeling. मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा mixed feeling थी. एक साल बहुत खूबसूरत निकला. उसके बाद जो एक साल निकला, I did it for two years. सो एक साल तो मैं बता भी नहीं सकता. मतलब मैंने आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अ लॉट अबाउट इट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दोज फ्यू मंथ्स. बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था फॉर मी. लाइक मैंने अपनी एक स्पेस बना ली थी, मेरा रूम बना लिया था मैंने. अपने रूम में मैंने रिक्लाइनर डलवा दिया, टीवी लगवा दिया, प्लेस्टेशन डलवा दिया. मैं निकलता ही नहीं था. मेरे लिए मेरा आर्ट मैटर करता था. मैं जाऊँगा कट और मतलब एक्शन और कट के बीच में मैं अपना काम करूंगा, और जैसे कट हुआ रूम में आके अपना प्लेस्टेशन खेलूंगा. मैं निकल के चार लोगों के बीच में ही नहीं बैठता था, बिकॉज मुझे पता था कि वहाँ पर मतलब क्या होता है एग्जैक्टली और क्या फील होता है. वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मुझे नहीं फील हो रहा था. बट यस, डिड इट टेक टाइम फॉर यू टू हील कि आप एकदम तुरंत बिजी हो गए थे फिर द नेक्स्ट? I was healing while I was in the show. मतलब मैं अंदर ही हील होता जा रहा था धीरे 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 धीरे. ऐसा नहीं था कि सभी लोग खराब थे वहाँ पे. बहुत सारे अच्छे लोग थे जिनके साथ मैं आज भी टच में हूँ. कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत यू नो सपोर्ट किया, फ्रॉम द प्रोडक्शन टीम एज वेल, फ्रॉम द डायरेक्शन टीम एज वेल. बट देर आर लॉट ऑफ पीपल जो सामने मेरे इतने अच्छे थे, मतलब इतने अच्छे कि मतलब वो मुझे ही सपोर्ट करते थे कि नहीं तुझसे बेटर कोई है ही नहीं यहाँ पर, तू ऐसा है, तू ऐसा है. और जैसे वो शो से मैं बाहर गया, एक कॉल नहीं, एक मैसेज नहीं, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन गुड बुक्स. यार हु वुड वॉन्ट टू ऑफेंड द मेकर? नोबडी वुड वॉन्ट दैट. मतलब बहुत कम लोगों में गट्स है. गट्स है बहुत कम. आई एम नॉट अ पर्सन जो यू नो हु वुड वॉन्ट टू जस्ट प्लीज द मेकर एंड वुड यू नो स्पॉइल सम रिलेशनशिप विद समबडी एल्स. मेरे लिए जितने इम्पॉर्टेंट वो रहेंगे उतने इम्पॉर्टेंट मेरे बाकी रिलेशनशिप रहेंगे लाइफ में. तो मुझे कभी किसी को प्लीज़ करने के लिए किसी को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है. मैं उस तरीके से किसी से डरता नहीं हूँ. बट बाकी लोगों का मैंने देखा है कि उन लोगों को बहुत डर है हर चीज़ों का. हर किसी को डर है कि यहाँ से निकलने के बाद कुछ और मिलेगा या नहीं मिलेगा. होता है, इंडस्ट्री वैसी ही है. अगर मैंने कुछ चूज़ किया, जैसे कि मैंने वो शो के बाद जो दूसरा शो चूज़ किया, तो कई लोगों के माइंड में था, कई लोगों ने मुझे शायद ये सलाह भी दी थी कि हो सकता है तेरे को इसके बाद कुछ ना मिले, बिकॉज यू मेस्ड अराउंड विद समबडी हु इज दिस बिग. मतलब वो शो, इतना बड़ा शो तूने छोड़कर तूने दूसरा शो चूज़ किया,
मुझे नहीं लगता एनी बडी विल टच यू नाउ, मतलब आई थिंक दिस इज इट, मतलब ये तेरे लिए हो गया. और ऐसा हुआ है कई सारे एक्टर्स के साथ हुआ है यार, कितने सारे, मतलब मुझे एग्जाम्पल्स दिए गए थे. बींग इन दैट शो आई वॉज गिवन एन एग्जाम्पल बाई द प्रोडक्शन टीम कि डू यू स्टिल वॉन्ट टू लीव पारस. देख इन लोग का हाल ऐसा हुआ था, मैंने उनको आखिरी में ये बोला था, बोला ये लोग पारस कलनावत नहीं थे. बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये सब चीज़ें, इफ़ आई एम टैलेंटेड, इफ़ पीपल वॉन्ट टू सी मी ऑन स्क्रीन दे वुड वॉन्ट टू कास्ट मी एंड इफ़ आई एम गुड टू देम. यार पता है मेरे लिए ये मानना है कि आप अच्छे एक्टर हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे इंसान होना बहुत ज़रूरी है. आप अच्छे इंसान हो वही लोग आपको कॉल करके और चार शो देंगे, मतलब आप भले उतने अच्छे एक्टर ना हो. ये मैं अपने को एक्टर्स को कितनी बार समझाया हूँ, कितनी बार, मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ऑन सेट तो मैं उनको समझाता हूँ यार, मतलब डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ इट यार, जस्ट बी अ गुड ह्यूमन. बोला ये हर जगह काम करता है, यू बी अ गुड पर्सन, यू ट्राई टू बी गुड टू एवरीबॉडी. अगर तुम्हें शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तुम मतलब गुस्सा आता है उसको कंट्रोल करो. मतलब गुस्सा हर किसी के अंदर होता है, बट तुम वो अपने काम वाले लोगों के साथ नहीं दिखा सकते. यू हैव टू मेक देम योर फैमिली बिकॉज दैट्स वॉट मैटर्स, दैट्स वॉट मैटर्स. मेरे शो में, पास शो में जो भी कुछ हुआ उसके बावजूद इफ उनमें से कोई भी कहीं भी किसी को भी मिलता होगा, अगर मेरे बारे में पूछता होगा, उनके पास कुछ बुरा बोलने के लिए है ही नहीं. दे कांट से अ सिंगल वर्ड दैट्स अगेंस्ट मी. दे ट्राई टू सर्च फॉर मैनी रीजन्स बट दे डोंट गेट एनी. तो या होपफुली इन फ्यूचर ऑल्सो आई बिलीव दैट राजन सर विल कॉल मी फॉर सम ऑर द अदर प्रोजेक्ट. या आई एम श्योर अबाउट दैट बिकॉज यू नो आई नेवर डिड रॉन्ग टू हिम एंड आई नेवर सेड एनी थिंग दैट शुड ऑफेंड हिम, और उनके अगेंस्ट मैंने कभी कुछ नहीं कहा. या दैट्स इट, ही विल. या मतलब डेफिनेटली आई बिलीव इन दैट कि कहीं ना कहीं उन्हें भी रियलाइज़ होगा वो चीज़ की मेरी तो इन सब चीज़ों में गलती ही नहीं थी. जिसकी गलती थी वो अभी भी शो कर रहा है. तो यार वो उनको भी पता है. हाँ. वो उनको भी पता है कि जिसकी गलती थी वो हंसते खेलते वो अभी भी शो कर रहा है, और जिसकी गलती थी ही नहीं ही हैड टू स्टेप आउट. उसको मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं छोड़ना चाहता था वो शो. अच्छा. आई वांटेड टू कंटिन्यू दैट शो बिकॉज दैट वाज माय लाइक लाइफ चेंजिंग शो. बट नाउ फॉर मी दिस शो मैटर्स सो मच. लाइक जो मैं वहाँ ढूंढ रहा था मुझे यहाँ मिला. मतलब वो ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ की तलाश कर रहे हो कि मुझे यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा. मैं वेट करता हूँ, 6 महीना रुकता हूँ, मैं 8 महीना रुक जाऊँगा. चलो ठीक है, यू आर टेलिंग मी टू वेट, मैं रुकता हूँ, मैं 6 महीना रुकता हूँ, मुझे दोगे वो स्पेस, ठीक है. मैं इधर आया, मुझे वो सब कुछ रेडी मिला. तो ऐसा था कि दिस इज़ डेस्टिनी, दिस वॉज रिटर्न मे बी, कि वहाँ से आप निकलो और आप यहाँ पहुँचो. और जब लोग मुझे पूछते कि आपने अनुपमा क्यों छोड़ा एंड इतना अच्छा शो छोड़ दिया आपने, ये कर दिया वो कर दिया, तो मेरे ज़ुबान से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती कि अगर मैं वो शो नहीं छोड़ा रहता तो आज मेरे गराज में स्पोर्ट्स कार नहीं खड़ी होती. सो दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर मी. तो आई डोंट थिंक सो कि मैं वहाँ पर रहते हुए कुछ मतलब अपना प्रोग्रेस इतने फास्ट कर पाता. मैं कहीं ना कहीं स्टक रहता वहाँ पर फॉर श्योर. व्हिच कार यू हैव? आई जस्ट गॉट अ BMW M3. ओह गॉड. सो या मतलब इट हैज बीन 4 months बट यस. Thank you. So proud of you for everything, for being so good. That's actually what I believe in. Because you work for that. And also that nobody will stand up for you, but you have to do it for yourself. Yeah, you have to stand for yourself. Yes, definitely. And you spoke like my family has been my direct family, like my mom, dad, my sister. They have been watching me grow since then. और मेरा ग्रोथ रोलर कोस्टर रहा है मेरे लाइफ में. मतलब वो रोलर कोस्टर ही रहा है. फर्स्ट शो वॉज किक ऐस, मतलब मेरी दुर्गा वॉज टाइम स्लॉट लीडर हमारा जो शो था मेरी दुर्गा. बट उसके बाद जो सेकेंड शो किया स्टार प्लस का ही था, डिडंट डू दैट वेल. मतलब वो ऐसा शो था कि मुझे आज भी कोई शायद उस कैरेक्टर के नाम से नहीं जानता है. तो मेरे लिए वो शो वर्क नहीं किया. फिर मैंने वेब सीरीज़ की. वेब की ऑडियंस बहुत अलग है. वेब की ऑडियंस ऐसी है ही नहीं कि आप रास्ते चलते आपको कोई पहचान लेगा कि अरे ये तो वो जा रहा है. नहीं, वेब की ऑडियंस बहुत अलग है. लेकिन टीवी शो, अगर इफ इट्स अ सुपर हिट टीवी शो, इट्स लाइक अ बिग एवरीबॉडी. लाइक राइट नाउ आल्सो व्हेन आई वॉक इन मॉल और पब्लिक प्लेस आई सी फेसेस टर्निंग लाइक व्हेन आई एंटर एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड.
मतलब एक एक्टर को वही तो चाहिए, चाहिए होता है, अप्रिशिएट करे आपके. एंड जब मेरे मॉम और मेरे डैड और मेरी सिस्टर खुश होती है तो मेरे लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ है ही नहीं. बिकॉज माई मदर्स साइड फैमिली, मेरे जो मॉम के साइड की फैमिली, दे ऑलवेज डीमोटिवेटेड मी सिंस चाइल्डहुड. लाइक मेरे लिए इतना ट्रॉमाटाइजिंग, मेरे खुद के मामा, लाइक माई रियल मामा यूज टू हिट मी कि फ्रिज खोल के रखा तो मुझे मारते थे कि फ्रिज क्यों खोला रखा है, बिल कौन तू भरेगा. लाइक आई वॉज अ किड, आई वॉज 12-13 साल का लड़का, अपना खुद के मामा मार रहे हैं कि तू ये करेगा. फिर नाना की डांट, नानी की डांट, और मेरी मासी अगर कुछ कर देती है, एक टी शर्ट ले देती है तो साल भर गिनाएगी कि टी शर्ट लेकर दी है. अभी राइट नाउ आई सॉ माई मदर क्राइंग ऑन रक्षाबंधन बिकॉज उनके भाई ने उनको विश तक नहीं किया. लाइक माई मदर हैज़ बीन सो काइंड टू ऑल ऑफ दीज फैमिली पीपल, बट देन मेरे मॉम साइड के फैमिली वाले उनको कॉल भी नहीं करते. मेरी मॉम ने उनको बर्थडे विश किया, दे डिड नॉट रिप्लाई. सो दे हैव बीन लाइक दैट, दे हैव बीन रनिंग बिहाइंड मनी. लाइक मेरे जो डैड की प्रॉपर्टी है, दे हैव बीन जस्ट रनिंग बिहाइंड द प्रॉपर्टी. दे ऑल्सो वॉन्ट द शेयर फॉर वॉट, नथिंग, बट दे हैव बीन लाइक दैट. तो जब मैं अपने मम्मी के चेहरे पर स्माइल देखता हूँ बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज वॉट आई एम डूइंग एंड वॉट वेयर आई हैव कम फ्रॉम, सो दैट मोटिवेट्स मी. That's the biggest motivation I have in my life, that you know, I made my parents proud and happy, because nobody from her family could do that for her. Like yeah. like aap apne mom dad se expect karte ho na, aapke khud ke mom dad aapke sath khade nahi the, while matlab mere liye to nana nani hai, to jab wo mujhe struggle karte dekh rahe the shayad unko bhi kuch feel hona chahiye, but they never felt anything. So yeah, so that way it has been a roller coaster for me. Yeah. But a wonderful roller coaster. I enjoyed throughout. So happy for you. Yeah. Such a nice story. Yeah. Say hi to your mom for me. Definitely. Okay, let's play a game. Sure. Yeah? Let's go. Yep. Let's go. Rapid fire questions, hai ye? Ready? Yep. One, your first celebrity crush. Female? Female. Can be male also, but yeah, a female, I'm interested. The female Disha Patni. Too hot, that girl is. Yeah. Okay, a role you think you can do so much better? My past role? Yeah. So my own role is talking about. Yeah. Koi bhi role that aapko lagta hai ki aap bahut zyada better kar sakte, koi bhi role. Kisi ka? The recent one, Satya Prem ki katha. Haan, Kartik Aaryan wala. Yes. Oh, nice. Because I can imagine you doing that. Yes, so that's my kind of a genre. And मतलब आई थिंक दैट यू नो आई कैन सी माई सेल्फ देयर, दैट एंड ऑब्वियसली आशिकी टू. रियली? यस. आई डोंट से कि आई कैन डू इट बेटर देन आदित्य रॉय कपूर, ही इज टू गुड, बट आई वॉन्टेड टू बी देयर. आई वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ आशिकी 3 बिकॉज दैट्स माई जॉन. लाइक आई सेड सत्य प्रेम की कथा, बिकॉज दैट वॉज अ रोमांटिक फिल्म. So yeah, such roles. Hoping ki Aashiqui 3 to aayi nahi na abhi, aaye kya? Ho gaya casting. Ho gaya? Yeah, Kartik Aaryan is playing it. So I think he is in that. Kartik Aaryan is your nemesis. You should talk to him. Yeah. Okay. If you were to sacrifice something to save your sneaker collection, what would it be? Sacrifice. That would be my love telling me to stop. Aww. मतलब बोले कि बस कर अब. हो गया वो, रुक गया अब. Yes. I have bought sneakers worth almost a crore. Like when I, एक करोड़ के जूते पहनते हो आप? Yes, मतलब when I calculated the total amount of money I have spent on shoes, that has crossed a crore. So when my this girl, whoever I'm in love with, when just she tell saw her this. Name, I can't tell her name. So yeah, so when God. This girl entered my life and when changed she told me to, completely. Yeah, she told me, what are you doing? I was like, okay, I'll stop. Oh. Nobody made me stop till now, but then yeah. She made you stop. She made me stop. Oh, it's so cute. Yeah. I get very happy. I really, I'm genuinely bahut khushi ho rahi hai. Okay. Which actor's wardrobe and style ideas you would like to steal? Ranveer Singh. I knew you would say that. For yeah. some reason I knew. Yes. मैं उतना ही अतरंगी चीजें पहनता हूँ. कर सकते हो. Yes, yes. Okay. Rate your co-stars in the order of style and rate them from 1 to 10. 1 being bad, 10 being the best. Okay. Okay. Priyanka Khandelwal. 7. Anagha Bhosle. Style. Style, only style.
अराउंड 7 या पॉलमी 8 मुस्कान 7 निधि 9 ओके आई हैव टू सी दैट नाउ या शी नोज़ लाइक हां या ओके ओके या शी नोज़ व्हाट शी इज डूइंग या हाउ टू ओके नाइस सुपर आई थिंक वी one celebrity, last question. One celebrity amongst your co-star you would want to date, but abhi aap already date karo, but still in a hypothetical situation. Never my co-actor. Sab log yehi bolte hai couch pe aake. No, but like honestly, I never felt like that. No, matlab, never? Never. Ever? My first was my co-actress. Acha, haan. Oh, okay. So yeah, but okay. After that, I never felt like dating any of my co-actors, but या कभी वो इंटीमेसी भी फील नहीं हुई है विद माय कोएक्टर्स लाइक आई सेड कि मैं सबको फ्रेंड जोन कर देता हूँ इधर फ्रेंड जोन और एल्स आई टेल देम दैट यू आर माय सिस्टर उम्मा या तो आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर अ व्हाइल नाउ लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स या बट व्हेन आई नो बट नहीं या बट व्हेन आई नो दैट कि कुछ नहीं होने वाला है मेरा मैं मेरा दिल ही नहीं आने वाला तो बहन बनाने में क्या प्रॉब्लम है लाइक I'll always protect you. Okay. That's what you want. So yeah, that way. ठीक है. हाँ. I mean, okay. It's okay. It's okay. Right. I feel bad for them, but it's thank you so much. It was such thank a fun. Thank you so much. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे. Same here. तो we have a little gift for you. Are you? But you can't eat. But your parents can, yeah. Like mama can eat. Yeah. But it has makhanas also. So makhanas you can eat. Makhana ali. You can eat makhanas. Can we have the hamper, please? I mean, I really hope इसमें मखाना हाँ है मखाना है. है You'll be happy. Thank you so much, Paris. Thank you. Really. This is a small gift from Rapid Smile. I hope it brings a smile to you. Thank you. And auntie's face. Yes, definitely. You know, this is something I'll eat on my cheat days. मखाना तो मैं खा सकता हूँ. खा ही सकते हो. सब कुछ खा लेना थोड़ा थोड़ा कभी भी कभी. Done. Thank you so much. This was really sweet. Thank you so much guys for watching us, keep loving us and make sure to add some spice in your life and like I always say, little is great, too much causes stomach problems. Bye! 20 स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।